तो ये था जी मेरा हॉस्टल। अब आज मैं निकलूँगा यहाँ से, एक दूसरी सिटी है, उस सिटी का नाम है बेरात। वहाँ जाने के लिए मेरे साथ में होंगे इंडियन भाई जी, वो भी साथ में जा रहे हैं मेरे। तो अभी मैं उनके घर जा रहा हूँ, उन्होंने अपार्टमेंट हायर किया और मेरा आज लास्ट था यहाँ पे। तो मैं अपना एक बैग उनके अपार्टमेंट में रखूँगा, फिर हम लोग वापस आएंगे लगभग 4 दिन बाद। तो तब तक मेरा बैग, क्योंकि 2 बैग ढोना कोई वहाँ जाने के लिए अच्छी बात नहीं है, तो फिर हम लोग जो है अपना एक एक बैग टांगेंगे और निकलेंगे। दरअसल जाने से पहले हम लोग सोच रहे हैं, क्योंकि अभी सुबह सुबह का टाइम है, अभी नाश्ता नहीं किया, तो अब हम लोग सोच रहे हैं कि पूरा लंच करके चलते हैं, एकदम टंकी फुल करके। बेरात में हमें भी नहीं पता वहाँ पे कुछ फूड मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्योंकि हम दोनों है प्योर वेजिटेरियन। क्वेश्चन मार्ग रहता है वेजिटेरियन का कि खाने का अब नेक्स्ट क्या होगा। तो फिलहाल ये आगे हम यहाँ पे वो एक रेस्टोरेंट है इंडियन फ्यूजन, जहाँ पे भारतीय खाना आप खा सकते हैं, सब कुछ मिल जाता है वहाँ पे। यहाँ लिखा हुआ है किनेमा, किनेमा का मतलब होता है यहाँ पे सिनेमा, ये लोग किनेमा को सिनेमा बोलते हैं। तो ये है जी इंडियन फ्यूजन। Is it closed? बंद है भाई। अरे भाई पोपट बन गए, अब भूखा ही जाना पड़ेगा। एक काम करते, कुछ चिप्स वगैरह ले लेते भाई। पिज्जा लेके ये पिज्जा थोड़ी ना है, ये पिज्जा का, पिज्जा का दादा है, इतना बड़ा है ये भाई, इसको चट कर जाओ 700 लेग का। और इन्होंने बड़ा ज़बरदस्त इसमें टमाटर डाला है, मशरूम्स है, और इधर वो ओलिव नहीं, मशरूम भी है ये रहा। हाँ, तो ओलिव्स हाँ, भी है और शिमला मिर्च भी है, और फिर बाद में चीज़ डाला हुआ है, बहुत बढ़िया। थैंक यू। ओके, थैंक यू बाय। थैंक यू यार, बहुत अच्छा पिज़्ज़ा था। दरअसल इंडियन फ्यूजन ने हमें धोखा दे दिया सुबह सुबह, बाद में हमारे पास कोई ऑप्शन था नहीं, सेविंग क्योंकि हमें आगे भाई 750 लाख की सेविंग हो गई और पेट बुझा भी हो गई। हाँ, ये भी कह सकते हैं भाई, क्योंकि वो 1400 कुछ का आना था और 1450 का, हाँ 1450, ये 750 का है, तो हमारे पैसे बच गए, हमारे बस का, यानी कि यहाँ से जितना बस में हमें किराया लगेगा वो हमने बचा लिया। वाह, देखो कई बार जो चीज़ें होती हैं वो अच्छे के लिए। आज का मौसम बढ़िया लग रहा है यार। हाँ, आज का मौसम अच्छा है, और अब हम निकलते हैं यहाँ से, अभी हमें बस पकड़ के जाना है यहाँ के बस स्टेशन, अभी हमें जाना है उस पार, वहाँ पे है वो लोकल बस स्टैंड, उस बस स्टैंड से हमें मिलेगी नैनो। वो देखो जैसे नैनो गाड़ी है ना, उससे भी छोटी गाड़ी चलती है यहाँ पे, और इसमें भी जो इंजन है वो बैक साइड में, ठीक नैनो की तरह। इसको पता करूंगा मैं क्या नाम है इसका, बहुत छोटी सी कार है और 2 सीटर कार है। स्मार्ट नाम लिखा था कार के आगे, स्मार्ट करके कुछ लिखा हुआ है, और 2 सीटर कार है यहाँ पे। 2 सीटर कार मैंने काफ़ी ज़्यादा देखी लोगों को एब्रॉड में, ऑलमोस्ट आपको 2 सीटर कार ही मिलेगी और लोग प्रीफर भी करते हैं, पर मुझे यार बच्चा लगता है यार, उससे बेटर वो बाइक लेके चले। इंडियन तो कोई लाइक नहीं करेगा 2 सीटर कार को। तो ये जो वाइट वैली बस है ये लेके जाएगी टर्मिनल पे, और फिर टर्मिनल है यहाँ से लगभग शायद से 10-12 किलोमीटर। कौन बोला 10-12 किलोमीटर है, लिखा हुआ इसमें लिखा है। और फिर वहाँ से मिलेगी हमें बेरात के लिए एक और बस। टिकट्स अरे भाई इस भाई, बस में ज़्यादा पीछे नहीं बैठते, अरे यहाँ बैठते हैं ना डुअल वाली सीट पे, यहाँ पे भी लोग ज़्यादा अंग्रेज़ी नहीं जानते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी थोड़ा बहुत यानी कि समझने में कोई दिक्कत नहीं है, ये लोग आराम से समझा देते हैं। ये लंबी सी बस है एक, तो ये हमें लेके जाएगी अब यहाँ के बस टर्मिनल साउथ जोन में, और वहाँ से फिर हमें मिलेगी बेरात की बस। जो बस टर्मिनल है वहाँ से बेरात का किराया है 400 लेग, और अब इसमें पता चलेगा कि कितना लगेगा।
कितना दिया? 40 लेक है, देखो लिखा है उसे लेक देना। हाउ मच, हाउ मच? 40 80 देखा, ये 40 लेक का टिकट है यहाँ से बस टर्मिनल के लिए, और वहाँ से लगेगा 400 लेक। तो ये है जनाब तिराना का शहर। ये है जी यहाँ पे बस स्टैंड तिराना का, साउथ जोन का। तो वहाँ पे बेरात लिखा था ना कहीं पे? कहाँ पे? यहीं पे कहीं बेरात तो था, पढ़ा था मैंने। वो बेरात, बेरात बोला ना, बेरात का कहीं। और इस तरह का यहाँ पे बस टर्मिनल है, यहाँ पे कोई छत नहीं है। मुझे एक बात समझ नहीं आई कि अगर इतनी सारी बसेस हैं यहाँ पे, अगर बारिश होती होगी कभी तो सवारियाँ रुकती कहाँ होंगी, क्योंकि यहाँ पे कोई भी छत नहीं है, ये खाली सा ग्राउंड है और वहाँ पे बसें खड़ी हैं और सारे लोग जो हैं यहीं से ही बोर्डिंग कर रहे हैं। और जो ये कंडक्टर हैं ये भी चिल्ला रहे हैं, यहाँ कोई बोर्ड नहीं, ऐसा नहीं कि कोई प्लेटफॉर्म है 1-2-3 लिखा हुआ है। ये जैसे हमारे भारत में या हमारे एशिया में कंडक्टर बुलाते हैं, ठीक वैसे ये भी बुला रहे हैं, बैरात बैरात बैरात। ये एक छोटी सी बस है, जैसे वो रशिया में चलती है ना मशरूत का, ठीक वैसी ही बस है ये। तो अब बस थोड़ी देर में निकलने वाले हैं हम लोग यहाँ से। ये एक्चुअल में एक छोटा सा टाउन है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन ये क्योंकि ऐतिहासिक टाउन है तो इसको देखने के लिए इसलिए हम आए हैं। अब यहाँ से हमें कैसे जाना है, पहले सबसे पहले मैं गूगल मैप में चेक करूँगा कि हम कैसे जा सकते हैं यहाँ से आगे। तो हमारी बस जो आई थी वो वापस तिराना चली गई, मतलब आई घूम के चली गई। और ये जो बस स्टैंड है बेरात का, ये दरअसल एक पेट्रोल पम्प है और पेट्रोल पम्प के पीछे ही बस स्टैंड है। ये आप देखेंगे पार्किंग टाइप का है।
अच्छा, अल्बेनिया इतनी छोटी कंट्री है कि यहाँ पे प्रॉपर बस स्टैंड भी नहीं है। यहाँ तक कि तिराना जो इनकी राजधानी है वहाँ पे भी बस स्टैंड प्रॉपर नहीं है। बस एक खाली सा मैदान है, उसको टाइल से या मेटल किया हुआ है और बस वहाँ पे बस स्टैंड है। मुझे एक बात समझ नहीं आती कि जब बारिश होती होगी या भयंकर सर्दी पड़ती होगी तो पैसेंजर, और बैठने की भी कोई जगह नहीं है, तो पैसेंजर वेट कैसे करते होंगे बसेस का अपनी, ये समस्या थोड़ा पड़े है। टॉयलेट्स वगैरह मुझे ध्यान दिखे नहीं वहाँ पे, शायद से हो सकते हैं कहीं होंगे, लेकिन बाकी ऐसे ही है जैसे ये यहाँ बसें खड़ी हैं। ठीक, ऐसे ही हिसाब था। दरअसल यहाँ से हमारा जो गेस्ट हाउस है वो है 2 किलोमीटर दूर पैदल ऊपर कहीं पहाड़ी पे, पता नहीं कहाँ है। तो हम लोग बस स्टैंड से निकल गए और अब हम पैदल ही जा रहे हैं। तो भाई हमको टैक्सी वैक्सी नहीं करना, 2 किलोमीटर पैदल चल लेंगे, सेविंग मस्ट भी। देखो अगर आपको बहुत सारे देश घूमने हैं तो थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है इन चीज़ों का। और साथ में सबसे बड़ी बात है कि आप बस से उतरे, टैक्सी में बैठे, सीधे वहाँ पे गए, क्या देखा क्या आपने? देखा है ना, तो ये एक सबसे बड़ा कारण होता है, क्योंकि चलते चलते हम अभी बहुत कुछ देखेंगे। हाँ जी, किधर बोल रहा है जाने को? लेफ्ट भैया, वो तो बोल रहा है कि लेफ्ट से भी जा सकते हो लेकिन लेफ्ट में उल्टा घूमना पड़ेगा, आप राइट से जाओ। राइट से जाओ, आ जाओ, राइट से चल लेते हैं उल्टा। राजेश भाई के गूगल मैप पे भरोसा मत करना, मेरे फोन का दो बार मेरे रास्ते ले गए मेरे को। मेरे फोन का नेविगेशन पता नहीं क्यों काम नहीं कर रहा ढंग से। जाना होता है लेफ्ट बोलता है राइट, जाना होगा सीधा और वो लेके जाएगा उल्टा, वही कह रहा हूँ। और फिर बिल्कुल एकदम आपको 1.5-2 किलोमीटर के बाद बोलेगा तुम गलत आ गए, तुम्हें वापस जाना है। अरे भाई, तुमने तो बोला कि मुझे वहाँ जाना है, मैं तुमको फॉलो कर रहा हूँ। मुझे लगता है ये मुझे एक बार ना अनइंस्टॉल करके दोबारा से इंस्टॉल करना पड़ेगा, तब जाके इस समस्या का शायद से समाधान हो जाए। तो फिलहाल यह है जी खूबसूरत एक छोटा सा टाउन अल्बेनिया का बेरात। ये है जी बेरात की गलियां और हमें उस स्टॉप पे जाना है एकदम लास्ट में ऊपर कहीं। फिलहाल गूगल मैप तो यही दिखा रहा है, बाकी पता नहीं, देखते हैं। इन गलियों में मुझे शिमला याद आ गया। ये दिखाता हूँ आपको यूरोप के गांव। ये है जी अल्बेनिया के गांव, और गांव से होते हुए मैं जा रहा हूँ अपने गेस्ट हाउस। बिल्कुल मुझे पहाड़ पे चढ़ना है ऊपर, और इस समय मुझे महसूस नहीं हो रहा कि मैं अपने देश से बाहर हूँ। ऐसे मुझे लग रहा है कि कहीं शिमला या रामपुर की गलियों में मैं घूम रहा हूँ इस समय। यहाँ पे ठीक पत्थर की दीवारें हैं, वैसी ही मैंने नेविगेशन लगाया हुआ है तो वो मुझे रास्ता बता रहा है लेफ्ट राइट कहाँ जाना है। देखो अनार लटके हुए हैं, और यहाँ पे जो घरों का स्ट्रक्चर है वो ठीक वैसे ही है जैसे हिमाचल प्रदेश में हमारे घर होते हैं। वो रह गया जी नीचे बेरात। जो बेरात दरअसल शहर है ये माना जाता है, ये एक्चुअल में यहाँ पे एक सिटी है बहुत पुरानी जिसको बोलते हैं 1000 विंडो सिटी। यहाँ पे उस पार्टिकुलर जगह में 1000 खिड़कियाँ हैं पुराने घरों में, तो इसलिए वो फेमस है। वो देखने जाएगी तो फिर देखते हैं कल क्या बनता है। फिलहाल तो अभी हम अपना गेस्ट हाउस ढूंढ रहे हैं। जब आप ऐसे ही किसी ग्रामीण इलाके में आते हैं तो उसकी बात ही कुछ और होती है। ये दरअसल एक गांव में आ गए अब हम लोग। जो बेरात दरअसल बेरात है वो भी नीचे रह गया और हम वहाँ से ऊपर चढ़े काफ़ी ज़्यादा, और अब तो ये गांव है। आप इसको शहर नहीं कह सकते हैं क्योंकि यहाँ पे कच्ची रोडें हैं और गांव के वाले घर बने हुए हैं लोगों के, लेकिन जो कंस्ट्रक्शन है वो ठीक वैसे ही है जैसे हिमाचल प्रदेश में हमारे होती है। लेफ्ट जाना है, ये एक रोड आ गई जी। उम्मीद है हमारा कोई वेट कर रहा होगा।
खाने वाली है? हाँ खाने वाली होती है। पक्का जहर तो नहीं है यार? ऐसा तो क्या होगा, इतने से जहर से तो नहीं मर जाएंगे। लेकिन ये खट्टी है ना भाई, मीठी भाई मिट्टी है रही। पता नहीं खट्टी लग रही है मुझे तो, मुझे शायद खट्टी आई होगी। देखिए यहाँ पे कितनी है। अब यहाँ पे ऊपर रोड आ गई है। हाँ हम लोगों ने मारा था शॉर्टकट, और शॉर्टकट में ये 2 किलोमीटर है, बाय रोड है ये 7 किलोमीटर 9 किलोमीटर सॉरी, कहाँ 9 कहाँ 7। ठीक वैसे ही जैसे हिमाचल में भी होता है कि शॉर्टकट आप ऐसे बीच में से गलियों से निकल के ऊपर पहुँच जाते हैं, लेकिन अगर आपको बाय रोड जाना है तो आपको पहले कहीं आगे जाना पड़ेगा। भाई यहाँ पे कोई 10-20 20-30 लेक वाली बसें होगी ना, तो कल मैं बस से जाओगे तो चढ़ूंगा। हाँ इनसे पूछ लेंगे ना, बस तो पक्का चलती होगी यहाँ, लेकिन उसका ना टाइम होगा। रोड देखो टाइम से चलेगी, रोड तो बड़ी मस्त है। अब नीचे जो शहर से रोड आई है वो बड़ी ज़बरदस्त रोड है, तो इसका मतलब है कि बोला ना एकदम टॉप पे अपने को चढ़ना है। हम लोग बिल्कुल टॉप में आ गए हैं, और सच बात यह है कि मुझे टॉप पे रहना सच में अच्छा लगता है, क्योंकि पहाड़ी इंसान पहाड़ों को पसंद करता है। हाँ ये तो है। अभी हम लोग पहाड़ की चोटी पे पहुंच के दूसरी साइड से अब नीचे की तरफ उतर रहे हैं। दरअसल ये जो चोटी है, हम इस पार से आए थे, उस पार से आए थे इधर को, और इधर कहीं हमारा गेस्ट हाउस है, कहाँ है ढूंढना पड़ेगा। यस यस जितेंद्र चलो हमारे बहुत इजी हो गया, उसका फायदा यही है भाई। हाँ हेलो, इधर असल एक छोटा सा गांव है, और ये मैडम है हमारी होस्ट आज की, और ये हमें लेने सड़क में आई हुई थी। हाय, थैंक यू Okay, so you speak English? Yeah. Yeah, speak. No way. Okay. No. Yeah, got it. Ah, no problem. Thank you. Adula, ti chamé à vous chez nous? Pois je n'ai pas dû tirer ta tique ou chien. Non. À tout, hein? Tout, yes, tout. Okay, no problem, no problem. India. Nice. India. India. Yes, 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 India. No, 10 minutes. Oh, no. 7 minutes. Okay. Wow, nice. Did you know this one? Yes. No. So, chalo, bhai. भाई यहाँ पे वो भी है। ओके गुड, साबुन सब कुछ है। नो प्रॉब्लम ओके नाइस अपार्टमेंट ब्यूटीफुल ओके नो प्रॉब्लम।
अब यहाँ पे मेन चीज है इनसे फूड कैसे पूछे, वो हम लोग को नीचे जाना पड़ेगा, इनके पास तो कुछ नहीं होगा। एक मिनट इनसे पूछता हूँ। यू नो इंडियन फूड No problem. Temperatura no minus.